जैन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। पहले पार्ट में हमने जाना डिस्कनेक्शन क्या होता है, अब थोड़े से एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए हमारा फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। ड्यूरिंग डिस्कनेक्शन अप्रोच FGI इज एन एसेंशियल स्टेप टू गेट स्टार्टिंग मटेरियल। बच्चों, आप जानते हैं कि डिस्कनेक्शन थ्योरी यूज़ की जाती है किसी भी गिवन टारगेट मॉलिक्यूल से उसके स्टार्टिंग मटेरियल या स्टार्टिंग कंपाउंड का पता करने के लिए कि वो किससे मिलके बना है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्कनेक्शन जब आप करेंगे तो वहाँ पर बिना फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, या ये कहें कि FGI के बिना डिस्कनेक्शन थ्योरी अधूरी है। FGI takes place via oxidation, reduction and substitution process। आप ध्यान रखिएगा कि जब आप डिस्कनेक्शन करेंगे और वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का इंटरकन्वर्जन दिखाएंगे, यानी कि जब आप एक ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में बदलेंगे तो ये केवल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ही होगा। ड्यूरिंग FGI रिएक्शन नेम इज रिटर्न इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आपको ध्यान रखना है कि जब आप डिस्कनेक्शन में FGI दिखाएंगे तो जो डिस्कनेक्शन एरो होगा उसके ऊपर आप FGI और उस रिएक्शन का नाम लिखोगे, जैसे ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है या फिर सब्स्टिट्यूशन है। सर, क्लियर नहीं हुआ तो आइए ना फिर एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि कैसे FGI होगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं पहले स्ट्रक्चर से। पहले स्ट्रक्चर के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक COCl एसिड क्लोराइड ग्रुप, दूसरा NH2 अमीनो ग्रुप। तो आपको पता है कि ये NH2 ग्रुप और जो एसिड क्लोराइड COCl ग्रुप हैं, ये किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से जनरेट हुए हैं। तो हमको इन फंक्शनल ग्रुप को इनके पहले वाले फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए हम यूज करते हैं FGI। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे FGI क्लोरिनेशन। हम दिखाया हमने डिस्कनेक्शन एरो के ऊपर, ये हमारा इसका पहला कंपाउंड है, इससे पहले वाला कंपाउंड है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर आप कोई भी क्लोरिनेटिंग एजेंट लेते हैं तो वो OH ग्रुप का क्लोरिनेशन कर देगा, OH कन्वर्ट कर देगा CL में। क्लियर हुआ? दिखाना है हमको बैकवर्ड, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर को कंफर्म करें कि जो आप बना रहे हैं डिस्कनेक्शन में क्या वो सही बना है, ये क्लियर होगा आपका उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेने पे। क्लियर है? यानी कि इसका क्लोरिनेशन कराएंगे तो ये बनेगा। हाँ, हम लोग सही जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। FGI रिडक्शन लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, तो आपने यहाँ पर लिया हुआ है नाइट्रो डेरिवेटिव। आप जानते हैं कि अगर नाइट्रो डेरिवेटिव का आप रिडक्शन करेंगे तो NO2 कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। लेकिन डिस्कनेक्शन पे दिखाते हैं हम लोग बैकवर्ड, लेकिन कंसीडर करेंगे फॉरवर्ड। तो ये भी क्लियर हो गया कि जो हमने यहाँ पे नाइट्रो डेरिवेटिव बनाया है, जो हम नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप दिखा रहे हैं, और वो बिल्कुल सही है क्योंकि रिडक्शन के बाद NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है FGI में। अब देखिए यहाँ पे आपने इस स्टेप को लीजिए, यहाँ पे आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आपने लिखा है FGI ऑक्सीडेशन, यानी कि हम लोग यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। डिस्कनेक्शन पे हमने लिखा है बैकवर्ड में, लेकिन आप इन दोनों स्ट्रक्चर का जो रिलेशन बनाएंगे उसके लिए आपको ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है आपने FGI नाइट्रेशन, तो बच्चों इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में रिलेशन देखने के लिए कि जो आप FGI किए हैं वो सही भी है नहीं है, इसको आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में उल्टा कंसीडर कीजिए कि अगर मैं इस कंपाउंड का नाइट्रेशन कराता हूं तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आएगा। तो क्लियर हुआ? यानी कि हम लोगों ने डिस्कनेक्शन के अंदर FGI ठीक किया है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस पहले स्ट्रक्चर के अंदर हमने तीनों स्टेप आपको दिखा दिए हैं। तो बताया था कि FGI जो है वो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन के जरिए होता है। तो यहाँ पे जो FGI क्लोरिनेशन हुआ है ये सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, यहाँ पर FGI रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे FGI ऑक्सीडेशन हुआ है, और बच्चों फिर से FGI नाइट्रेशन भी सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। होपफुली क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं सेकंड वाला। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एमिनो फंक्शनल ग्रुप है जो कि FGI रिडक्शन से कन्वर्ट हुआ है हमारा एमाइड ग्रुप में।
सर क्या ये पॉसिबल है? बच्चों यहाँ पे हम लोग बैकवर्ड दिखाते हैं, यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ है जो एफ जी आई रिडक्शन के थ्रू कन्वर्ट होता है एमिनो ग्रुप में, क्योंकि आपको यहाँ पर ये कन्वर्ट करना है उल्टी डायरेक्शन में, लेकिन दिखाते हैं हम लोग बैकवर्ड। आप जानते हैं कि ये डिसकनेक्शन की एक कंडीशन है, ये एमाइड ग्रुप है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस होगा और बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एच टू ग्रुप में। इसका मतलब है कि जो हमने यहाँ पे इन दोनों कंपाउंड में इंटर कन्वर्जन दिखाया फंक्शनल ग्रुप का, वो बिल्कुल सही हुआ है। क्या आपको ये क्लियर है? बच्चों इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आने वाले जो बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें आप डिसकनेक्शन को इजीली कर पाएं।